हे हाय गाइस, ओह कैमरा काम पे ठीक है। हे हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरह का डिजाइन जो कि डिजिटल क्लॉक का डिजाइन है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे HTML, CSS एंड JavaScript इस चीज को बनाने के लिए। एंड ये चीज रिस्पॉन्सिव भी है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब भी मैं दिखा देता हूँ आपको इसको एडजस्ट करके, इसकी स्क्रीन को एडजस्ट करके। तो कुछ इस तरह की ये दिखेगी जब आप स्क्रीन को छोटी कर देंगे। तो ये मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है कि किस तरह से हमें इस वॉच को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है न्यू मॉर्फिज्म UI, ठीक है, जो कि क्रिएट करना बड़ा इजी है बाय यूजिंग CSS। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, किस तरह से ये टाइम काम कर रहा है, ऑफ कोर्स वो जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये सब कुछ हम बनाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड एक और चीज, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम में, प्लीज मुझे फॉलो कर लो। क्यों फॉलो करना है वो मैं आपको बता दूं, बड़ा अजीब लगता है अपनी सेल्फ प्रमोशन करते टाइम, बड़ा अजीब लगता है सच में। ओके, तो इसलिए फॉलो करना है बिकॉज जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ अब उसको मैं इंस्टाग्राम में भी डालता हूँ, एंड साथ ही साथ हर प्रोजेक्ट का कोड भी मैं वहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में शेयर करता हूँ। तो इससे आपके लिए सब कुछ ईजी रह जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी आईडी, ओके, तो ये है मेरी आईडी, फॉलो कर लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं, और अपना फेस मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेस मत दिखाया करो वीडियो बनाते टाइम। तो ठीक है, नहीं दिखाता, तो चलो इस चीज को अब बनाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, एंड एक साइड में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा। दैट्स इट, एंड एक बार फिर से मेरी आईडी देख लो यार इंस्टाग्राम की। ठीक है, अब काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये सारा कोड हटा देता हूँ, अननेसेसरी कोड, ठीक है, ये और ये। तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ हम स्क्रैच से करेंगे, थोड़ा सा जूम इन ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। तो सबसे पहली चीज, हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो क्रिएट करना बड़ा ही आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो किस तरह से क्रिएट करना है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेंट पे बड़ा आसान है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास कुछ इस तरह के बॉक्सेस हैं, तो ये बनाना बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे जिसके अंदर हम चार अलग अलग डिव बना देंगे। एक आवर के लिए होगा, एक मिनट के लिए होगा, एक सेकंड के लिए, और एक होगा किस चीज के लिए, AM एंड PM के लिए होगा एक, ठीक है। उसके बाद हम इनको न्यूमॉर्फिज्म डिजाइन दे देंगे, दैट्स इट। एंड नीचे एक टेक्स्ट भी लिखना है, ऑफकोर्स हम इनके यहाँ छोटू छोटू से टेक्स्ट लिखने हैं हमको इनके नीचे, तो वो करना भी बड़ा इजी है, ठीक है। तो वो अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी हम एक सेपरेटली डिव के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक डिव के अंदर बना सकते हैं इन दोनों चीजों को, ठीक है। तो अब होगा क्या, बेसिकली ये जो डिव है जो कंटेन कर रहा है सब कुछ, इसको हम फ्लेक्स दे देंगे, ठीक है, इसको डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स करवा देंगे, तो सब कुछ लाइन में आ जाएगा। उसके बाद एक के नीचे एक करवानी थी हमको इस वाले बॉक्स में सारी चीजें, तो वो तो बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आ जाएगी, एंड इनको टेक्स्ट लाइन हम सेंटर दे देंगे, एंड जो हमें चाहिए रिजल्ट वो हमें मिल जाएगा। एंड ये जो बॉक्स होगा इस वाले डिव के अंदर, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, बॉक्स शेडो, ठीक है। तो चलो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एक डिव बनाएंगे जो कि होगा कंटेनर, जो कि कंटेन करेगा सब कुछ, और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, डिव डॉट एक और कंटेनर बनाना है हमको जो सब कुछ कंटेन करेगा, तो इसका नाम रख दूंगा मैं बॉक्स। एंड इसके अंदर अब एक और डिव जो कि है बेसिकली हमारे पास ये वाला बॉक्स जो टाइम कंटेन कर रहा है या सेकंड कंटेन कर रहा है जो भी है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसको बना रहे हैं अब हम। ये बाहर का आउटर शेल, तो इसका हमने ये बना लिया, अब ये बनाएंगे। उसके बाद ये छोटू सा बॉक्स बनाएंगे यानी कि टेक्स्ट H1, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हम डिव के लिए इसको दे देंगे आवर्स, नाम दे दूंगा मैं इसका, क्योंकि इसके अंदर हम अपने आवर्स को सेव करेंगे। एंड इसके अंदर एक H1 दे देंगे जिसकी आईडी दे देंगे हम आवर्स, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें कैच भी करनी है वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे एक H1 दे देंगे जहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे आवर्स, दैट्स इट, आवर्स, सेव। एंड कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ,
एट, ठीक है, ताकि इस तरह का दिख जाए। दैट्स इट। अब इस तरह के कितने बॉक्स चाहिए हमें? तीन और चाहिए। तो इस कोड को कॉपी किया, पेस्ट 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 एंड पेस्ट। कितने बना दिए मैंने? एक दो तीन। ओ भाई बहुत ज्यादा कर दिए मेरे कॉपी। ठीक है, तीन हमारे पास हैं, ये चौथा है, ये पांच वो एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे ऑफकोर्स हमें टेक्स्ट भी चेंज करना है। जो सेकंड बॉक्स होगा वो होगा मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे क्लास मिनट्स दे दी, आईडी मिनट्स दे दी। एंड यहाँ पे थर्ड बॉक्स के लिए सेकंड्स चाहिए, तो सेकंड लिख दिया, आईडी सेकंड्स दे दिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एएम एंड पीएम दिखाना है हमको, तो एएम और पीएम लिख दिया, और यहाँ पे भी एएम और पीएम लिख दिया। दैट्स इट एंड सेव। और ये सारे एग्जाम रिजल्ट इस तरह के आ गए हमारे पास। सब सीएसएस देनी है इन सब चीजों का हमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सब चीजों का मार्जिन 0 पिक्सल कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स पैडिंग कैसे भूल सकते हैं, तो पैडिंग को भी 0 कर देंगे। सेव। अगली चीज, हर एक बॉक्स को एक दूसरे के सामने लाना है, टू क्रूल इस तरीके से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले इनको सामने ही ले आते हैं एक दूसरे के। तो क्या नाम दिया मैंने क्लास को, कंटेनर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट कंटेनर, डिस्प्ले करवाएंगे इसको एज अ फ्लैक्स। एंड ऑफ कोर्स फ्लैक्स रैप भी दे देंगे ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए, तो फ्लैक्स रैप दे दिया। एंड दैट्स इट, इतना सही हो गया है हमारे पास। अब इसको सेंटर में भी चाहिए हमें ये, तो जस्टिफाई कंटेंट एज अ सेंटर कर देंगे। अब हमें ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर में नहीं चाहिए, हमारे वेब पेज के सेंटर में चाहिए ये, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर सेव। लेकिन ये सेंटर में नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और जो हमारा कंटेनर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर की पर्टिकुलर हाइट 75 है, ठीक है, 75 है ऑलमोस्ट। तो वो किस तरह से सेंटर में आएगा? हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेनर की हाइट को पूरा का पूरा देना पड़ेगा वेब पेज के बराबर, और उसके बाद इस चीज ये चीज जो है अलाइन आइटम्स की मदद से सेंटर में आ जाएगी। तो कंटेनर को हाइट दे देंगे हम किसके, व्यू पोर्ट पे हमारा 100 VH, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, दैट्स इट, बड़ा सिंपल था, ठीक है। अब ये सेंटर में रहेगा हमेशा हमारे पास। अगली चीज हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स न्यूमॉर्फिज्म डिजाइन था, तो इसको अच्छे से डिजाइन करना है। तो कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं, रेड, रेड की जगह ये वाला देता हूँ पर्पल टाइप, नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्सेस हैं हमारी, छोटे छोटे बॉक्सेस, ठीक है, इनको भी हमें अच्छे से डिजाइन करना था, तो वो भी करते हैं। तो इनको क्या क्लास दी थी, बॉक्स क्लास दी थी। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे डॉट बॉक्स, एंड इसको विड्थ दे देंगे हम अबाउट, देखते हैं 5 पिक्सल में दूं, ईएम में दूं, पता नहीं। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं रेड, ताकि पता लगता रहे कि हो क्या रहा है यार। एंड ऑफ कोर्स पैडिंग देना पड़ेगी इनको, तो 1 ईएम की, ओ सॉरी, हाँ 1 ईएम की पैडिंग। एंड ऑल्सो मार्जिन देना पड़ेगा ताकि ये बॉक्सेस एक दूसरे से भी अलग हो जाए, ठीक है। तो मार्जिन भी 1 ईएम चल पड़ेगा आई थिंक, या दैट्स इट, नाइस। एंड हाइट भी ऑफ कोर्स बराबर ही रखेंगे हम, 4 EM, दैट्स इट। अच्छा सा बॉक्स बन गया ये। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जो आवर्स था ये हमें बॉक्स में नहीं चाहिए था ना, ये तो हमें बॉक्स के बाहर चाहिए था, जैसा कि यहाँ डायग्राम में है हमारे पास। तो कहाँ गलती की हमने? ओके, तो बॉक्स कंटेन कर रहा था आवर्स को भी, तो हमने करना क्या था, ये जो आवर लिखा हुआ था ना, ये आवर्स, इसको वो देनी थी हमने CSS, ना कि बॉक्स को देनी थी। तो एक काम करते हैं, बॉक्स की जगह लिख देते हैं आवर्स, दैट्स इट, उसको मिल गई हो। लेकिन अब एक और सीन हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब वो सीन है क्या, बेसिकली बड़ा कॉमन सा सीन है कि अब बाकी सबको भी हमें यही CSS देनी पड़ेगी, तो कॉमा करके लिख देते हैं यहाँ पे मिनट्स, मिनट्स को भी देना है, या फिर आप कॉमन क्लास ऐड कर सकते हो अपनी HTML में, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ अभी, तो वो मैं करूँगा नहीं। एंड AM और PM था ना, सेव। एंड ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अगली चीज, टेक्स्ट हमें कहाँ चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था हमें सेंटर में। एंड इसको भी हम क्या दे देंगे, फ्लैक्स दे देंगे, सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स करवा देंगे इसको, डिस्प्ले फ्लैक्स
दैट्स इट। एंड इसको भी सेंटर में चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में, एंड दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स इसको ब्यूटीफुली बॉर्डर रेडियस देंगे हम अच्छा सा 8 पिक्सल, 8 PM पिक्सल। यार ये बटन खराब है मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ, अब हो गया ठीक है। एंड ये आवर्स जो है ऑफ कोर्स ये भी हमें सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉट बॉक्स है उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे, एंड दैट्स इट। एंड ये सेंटर में आ गया। एंड ऑफ कोर्स ये फंड्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो बॉडी के अंदर जाके कोई बढ़िया सा फंट डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट फंट क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पिक कर लो, ये वाला पिक कर रहा हूँ मैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसकी जगह कुछ और सही, फॉन्ट फैमिली ये सही है, दैट्स नाइस, ओके ओके। अब ये जो फंट्स हैं इनका साइज भी थोड़ा अलग सा कर लेते हैं, तो H1 है हमारे पास, ठीक है हर जगह H1 ही है, तो सेम ओके एक काम करते हैं, बॉक्स के अंदर जो H1 है ठीक है उसको हम वो दे देते हैं CSS। तो डॉट बॉक्स के अंदर एक H1 है, उसका जो फंट साइज है वो हमें चाहिए 1 EM आई थिंक, या 1 EM, छोटा सा मेरे को पसंद है इस तरह का छोटा सा टेक्स्ट, सही है ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब अगली चीज़ है ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये भी हमें अच्छे से चाहिए, तो ये है आवर्स H1 के अंदर ठीक, सॉरी किसके अंदर है ये, छोड़ो इसको छोड़ो यार, अब सबको थोड़े ना, चलो दे देता हूँ यार, अब क्या जाता है आवर्स के अंदर है ये, तो ओके आईडी थी वो, आईडी डिफाइन की हुई है हमने, तो आईडी दे रहा हूँ मैं वहां पे, अब आईडी को CSS दे रहा हूँ बेसिकली, बड़ा मैसी काम है ये, लेकिन चलो ठीक है डिजाइन ही कर रहे अभी है ना, ओके तो इसके अंदर जो ओके इसके अंदर कोई H1 नहीं है, हम सीधे उसी H1 को दे रहे हैं, तो फॉन्ट साइज इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 2 EM आई थिंक, एंड ये 2 EM ही था, ओके 2 EM सही है 2 EM। एंड ऑफ कोर्स कलर मैं दूंगा इसको वाइट, ताकि दिख जाए ये सब कुछ ऐसे ही दिया मैंने वाइट अभी इसको, अभी करेंगे इसका कलर एडजस्टमेंट ठीक है, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स ये जो बॉक्सेस हैं इनको क्या देना पड़ेगा हमें, बॉक्स शेडो, तो यहाँ पे ये हर बॉक्स को हम एक बॉक्स शेडो भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पिक्सल एंड ब्लर दूंगा मैं ऑफकोर्स 9 पिक्सल, एंड देन कलर मैं दे दूंगा रेड, एंड एक और देना पड़ेगा माइनस में 3 पिक्सल 3 पिक्सल। एंड अगर आपको न्यूमोर्फिज्म डिज़ाइन नहीं आता क्रिएट करना, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया किस तरह से बनाते हैं न्यूमोर्फिज्म डिज़ाइन को ठीक है। तो एक और कलर देना है हमें यहाँ पे, इसको भी रेड ही दे देते हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्लर देना भूल गया जो कि पॉजिटिव में रहेगा, एंड दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, ओपन डेवलप टूल्स को ओपन करेंगे एंड अच्छे से इसको डेवलप करेंगे, तो बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे रेड की जगह मैं वही कलर चूज करूंगा जो स्क्रीन पर है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कई बार चलता नहीं यार ये लैपटॉप बड़ा बेकार है, क्या बोलूँ मैं, मतलब अच्छा है ठीक नहीं है, फास्ट नहीं है ठीक है। ये हो गया, अब इसको क्या देनी है यहाँ पे, इसकी शेडोज का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे भी वही कलर डाल दिया, यहाँ पे भी वही कलर डाल दिया, दैट्स इट। और ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि शायद ओके मैंने कॉमा हटा दिया वहां से कॉमा, अभी चल पड़ा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे बॉटम कलर को, एंड टॉप कलर को ऑफ कोर्स लाइट करेंगे ताकि न्यूमॉर्फिज्म मिल जाए, एंड ये न्यूमॉर्फिज्म डिजाइन मिल गया, एंड इस कलर को इस पूरे कोड को बेसिकली कॉपी कर लेंगे, जो भी है ये कोड इसको कॉपी करेंगे एंड एक्सचेंज कर लेंगे अपने कोड के साथ, यहाँ वाले कोड के साथ, दैट्स इट, सेव, एंड ये रिजल्ट मिल गया। एंड ये जो अंदर का टेक्स्ट है वो मैं बदलना नहीं चाहता ठीक है, वो बाद की बाद में देखेंगे, अब इस चीज़ को छोड़ो। अब आते हैं यहाँ पे हमारी JS वाली फाइल में ठीक है, तो JS वाली फाइल में आते हैं, तो सबसे पहले लिंक करनी है हमें, तो बॉटम में जाएंगे HTML वाली फाइल में, एंड यहाँ पे लिंक कर देंगे हमारी फाइल को, तो इसका एड्रेस है index.js, सेव। यहाँ पे एक अलर्ट मार के देखते हैं,
कि चल रहा है कि नहीं, जुड़ा कि नहीं। ओके तो ये चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे, हमारी जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से यहाँ पे टाइम हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, लेट डिजिटल क्लॉक, एंड इसको एरो फंक्शन दे दिया। आप चाहे तो सिंपल फंक्शन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब अगली चीज हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है, जो कि होगा डेट नाम का। ये डेट फंक्शन अब डिफाइन करेंगे इस वेरिएबल के अंदर, ताकि हम सारी टाइमिंग डेट्स जो भी आपको ग्रैब करनी होती है जावास्क्रिप्ट में, इसी फंक्शन की मदद से आप कर पाते हैं, ठीक है। न्यू डेट की मदद से टाइम डेट जो भी मंथ वगैरह जो भी आपको पिक करना है। तो सबसे पहले हम आवर्स को पिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो घड़ी में बजे हैं 10, तो हमें यहाँ पे 10 बजाने, 10 बजाते हैं इसके। एंड चलो तो लेट आवर्स नाम का एक फंक्शन जिसके अंदर हमारा आवर होगा, ठीक है। तो हमें आवर चाहिए, तो डेट, ठीक है। तो डेट फिर मैं यहाँ पे डॉट लिख दूंगा, और आवर्स लेने के लिए हमारे पास फंक्शन है गेट आवर्स नाम का, ठीक है, गेट आवर्स फंक्शन। एंड अब हमारे पास आवर्स आ गए हैं किसके अंदर, आवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इसको हमें डिस्प्ले कराना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ HTML फाइल में हमने इसको क्या आईडी दी थी, आवर्स। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम था आवर्स, एंड इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं डॉट इनर HTML इक्वल टू आवर्स। तो अब जैसे ही सेव करूंगा हमारा पास रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं कराया। तो हम सिंपली या तो ऑन लोड पे इसको कॉल करा सकते हैं, या तो सिंपली यहीं पे इसको कॉल करा दो, आपकी मर्जी। सेव एंड वो 10 यहाँ पे आ गया, ये है। तो कितना ज्यादा सिंपल था। अब वही चीज हमें करनी है मिनट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बदल देता हूँ हर चीज का, ठीक है, ताकि आपको पता लगे, कंफ्यूज ना हो जाओ। सेकेंड्स ऑफ कोर्स, एंड क्या है, एएम और पीएम, एएम और पीएम क्या लिखते हैं इसको, एएम और पीएम, मैंने क्या लिखा था डिजाइन में, वो फक मैंने सेकेंड्स ही लिख दिया था वहां पे, ठीक है। तो एएम और पीएम यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ही। अब चलो वापिस से यहाँ पे आते हैं कोड पे। अगली चीज थी हमें सेकंड्स चाहिए, तो सेकंड्स कितने हुए, अब कितने हो गए सेकंड्स, अभी अभी जस्ट अभी अभी बजे ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 00 पुट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 क्यों नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आया बिकॉज जैसे ये एक मिनट हो जाएगा फिर यहाँ पे जाके 11 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपने मिनट्स को ग्रैप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मिनट्स, ठीक है, और इसको हम फिर से क्या कर देंगे, डेट डॉट गेट, यहाँ पे लिख देंगे हम मिनट्स फंक्शन, दैट्स इट। अब मिनट्स भी सेव हो चुके हैं। अब सेम वैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट राइट करके इसको ग्रैप करना है। तो मिनट्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिए मिनट्स, एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी मिनट्स, सेव, एंड वो देखिए सेव किया एंड यहाँ पे आ गया। अच्छा, वो 11 इसलिए नहीं बजे थे बिकॉज ये भी टाइम के साथ साथ नहीं चल रही, बार बार रिफ्रेश नहीं कर रहे, ये स्टैटिक है अभी, जब हम रिफ्रेश करते हैं तभी ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा, यानी कि, तो चलो सेकंड्स को पहले यहाँ पे सेकंड्स को शो कराते हैं, और सेकंड्स को फिर मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हो हर सेकंड में, ठीक है। तो अब अगला वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे ऑफ कोर्स सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट सेकंड्स नाम का फंक्शन, डेट डॉट गेट सेकंड्स फंक्शन, एंड दैट्स इट। सेकंड्स भी आ गए हमारे पास, तो सेम वे में डिस्प्ले करवाएंगे इसको हम, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड्स एंड सेकंड्स, सेव, एंड ये देखिए 47 सेकंड, रिफ्रेश किया 49 41। तो ये देखो जब जब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेकंड्स चेंज हो रही है, सेकंड्स की वैल्यू, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमें रिफ्रेश करना पड़े, हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली खुद रिफ्रेश होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है सेट
टाइम आउट या इंटरवल का यूज भी कर सकते हो आपकी मर्जी। एंड यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट दे दूंगा अपने इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन हमने बनाया ना डिजिटल क्लॉक, वो मैं यहाँ डाल दूंगा। तो डाल दिया मैंने इस फंक्शन के अंदर। एंड सेकंड पैरामीटर मैं इसके अंदर डालूंगा हमारा टाइमिंग का, ठीक है, कि कितने टाइम बाद ये लोड होगा फिर से फंक्शन। तो 500 बाद, ठीक है, सेव। एंड देखिए अब वो टाइमर खुद चलने लग गया। ये अब लास्ट चीज जो है वो है यहाँ पे एएम एंड पीएम किस तरह से लाना, बड़ा इजी है। तो यहाँ पे एएम पीएम लाना, तो हमें पता है कि जब आवर्स हमारे 12 से ऊपर होंगे तब पीएम होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एक वेरिएबल बनाएंगे एएम और पीएम नाम से। एंड यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, या तो आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी। तो जब आवर्स होंगे ग्रेटर या इक्वल टू 12 के, तो फिर हम डिस्प्ले करवा देंगे पीएम, अदरवाइज हम डिस्प्ले करवा देंगे एएम, एंड दैट्स इट। एंड सेम यही चीज कर देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ठीक है। तो यहाँ पे गए एंड यहाँ पे एएम और पीएम, एंड इनर एच टी एम एल के अंदर क्या वेरिएबल आ जाएगा, एम एम और पीएम, सेव। एंड देखिए तो अभी है 11 बज के, हमारी घड़ी में है अभी कितने, ये देखो अभी मेरी यहाँ विंडोज में सेकंड्स चले हुए हैं साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज अचीव करते हैं। ऑफ कोर्स एक और चीज है यहाँ पे हमारे पास, हो सकता है कि हो तो नहीं सकता, होगा एक्चुअली ऐसा कि जब शाम हो जाएगी तो ये आपको यहाँ पे 17 और 18 इस तरह से टाइमिंग दिखाएगा। तो वो चीज़ अगर आपको ठीक करनी है तो उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ वो कोड आप खुद लिखिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वो कोड नहीं पता लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं एंड मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको अपनी शक्ल दिखा दूंगा इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे जाइए मेरे इंस्टाग्राम में एंड आप वो कोड ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें फेसबुक ग्रुप में भी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।